Good morning, students. I am Ashutosh, and you are welcome to my online English classes of LSRW. बच्चों, अभी तक English के LSRW के लिए हमने 10 पार्ट पूरे किए. आज 11th पार्ट है और इसमें हम लोग जानेंगे कि जब दो वोवेल्स एक साथ रहे, इकट्ठे रहे, तो फिर कैसी कैसी आवाज आती है जब शब्दों में उसको रख देते हैं. तो जैसे साउंड ऑफ ए आई, आप जानते हैं देर आर ओनली 5 वोवेल्स, ए आई ओ यू, 5 वोवेल्स. इसमें से 2 वोवेल्स ए एंड आई हमने लिया, तो उसकी आवाज अभी जो शब्द हम राइमिंग वर्ड सीखेंगे तो आपको दिखेगा, सब में आपको सुनाई पड़ेगा कि सब में ए की आवाज आ रही है, ए ए. ठीक है, तो आओ बच्चों देखते हैं ए आई से बनने वाले, लगकर बनने वाले कुछ राइमिंग वर्ड्स और उनके मीनिंग्स. देखें बच्चों, टी ए आई एल, ए और आई इकट्ठे हैं, एक साथ है, ए आई एक साथ है, तो हम लोग ये पढ़ेंगे. क्या ये पढ़ेंगे? हम लोग टेल. क्या पढ़ेंगे इसको? टेल. टेल मीन्स होता है पूंछ, जो दुम होती है उसको टेल बोलते हैं. ये है आपका मेल, ये मेल, मेल मीन्स होती है चिट्ठी. ये है आपका सेल, सेल, सेल मीन्स वो जो नाव होती है, नाव में एक लंबा सा चौड़ा सा एक पर्दा की तरह कपड़ा लगाया जाता है, हवा चलती है तो उस कपड़े पर प्रेशर पड़ता है और नाव जो है वो चलने लगती है उस हवा के प्रेशर से, क्योंकि उसमें कपड़े लगे होते हैं. तो सेल मीन्स वो पाल, हिंदी में बोल सकते हैं. आगे है हेल, ये आपका हो गया हेल, एच ए आई एल, हेल. हेल मीन्स वो ओला पड़ता है, जब बारिश होती है तो कभी कभी ठंडे ठंडे वो पत्थर गिरते हैं, तो हेल मीन्स ओला पड़ना. जे ए आई एल, ये आपका है जेल, जेल, जेल मीन्स वो कैद खाना. इसके बाद ये है डब्ल्यू ए आई टी, वेट, वेट, वेट मीन्स इंतजार करना. ये है आपका पी ए आई डी, पेड, पेड मीन्स भुगतान किया, कोई चीज जो है वो पैसे जो है किसी को दे दिया, लौटा दिया, तो उसको बोल सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं पेड. ये है आपका आर ए आई एन, ये रेन, रेन मीन्स होता है बारिश होना, वर्षा होना, पानी पड़ना, जो भी है. इसके बाद ये है पी ए आई एन, पेन, पेन मीन्स होता है दर्द. आर ए आई एल, रेल, रेल मीन्स वो गाड़ी, रेलगाड़ी. उसका सी एच ए आई एन, सी एच से च बनता है और ए आई है, तो ये आपका बन गया चेन. चेन मीन्स होती है वो जंजीर, हाँ वो कड़ी जो होती है. एम ए आई एन, ये हो गया आपका मेन, मेन मतलब होता है मुख्य. मान लो एक बदमाशों का गिरोह है, उसमें से एक होता है मास्टर माइंड, तो बोलते हैं कि मेन बदमाश ये है ना, तो मेन मतलब मुख्य. जी आर ए आई एन, इसको पढ़ेंगे ग्रेन, ग्रेन मीन्स होता है अनाज, वो जो चावल दाल प्याज आलू ये सब जो चीजें हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेन. उसके बाद टी आर ए आई एन, ये है आपका ट्रेन, ट्रेन मीन्स फिर वही रेलगाड़ी. एफ ए आई एल, फेल, फेल मीन्स असफल होना, फेल हो जाना नहीं बोलते हैं हम लोग. कोई बच्चा नहीं ला सका उतने मार्क्स, तो बोलते हैं बच्चा फेल हो गया.
उसके बाद यह बी आर ए आई एन ये पढ़ाएगा आपका ब्रेन। ब्रेन मीन्स वो दिमाग, वो मस्तिष्क। इसके बाद ये है आपका डी आर ए आई एन ड्रेन। ड्रेन मतलब होता है प्रवाह या अपवाह, मतलब वो जो फ्लो होता है पानी वगैरह जो बहता है उसको हम लोग बोल सकते हैं ड्रेन। जैसे होता है अपवाह तंत्र, उसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, मतलब जिधर जिधर पानी गुजरता है। इसके बाद ये है एन ए आई एल नेल। नेल मीन्स आप जानते ही हैं ये नाखून, ठीक है। उसके बाद बी ए आई एल इसको पढ़ेंगे बेल। बेल जब कोई आदमी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है, उसके बाद कोर्ट से उसकी जमानत भी होती है। जमानत आपने वर्ड सुना होगा, जमानत, तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेल। बेल पर छूटा हुआ है मतलब उसे जमानत मिली हुई है, मतलब उस पर जो अपराध लगा हुआ है वो अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन कुछ दिन के लिए वो बाहर है, ठीक है, तो वो होती है बेल। इसके बाद आर ए आई डी रेड। आपने सुना होगा फला जगह पर लोग जुआ खेल रहे थे, पुलिस ने वहां पे रेड किया मतलब छापा मारा, तो आर ए आई डी रेड। रेड मीन्स होता है छापा या छापा मारना। ओके तो बच्चों ये था ए आई लगा हुआ शब्द और ये सारे राइमिंग वर्ड्स, जिस सारे के सारे में आपका आवाज आ रहे थे ए की मात्रा वाली आवाज। देखें आप टेल मेल सेल हेल जेल वेट वे पेड रेन पेन रेल चैन मैन ग्रैन ट्रेन फेल ब्रेन ड्रेन नेल बेल रेड। तो सब में ए की आवाज आ रही थी। तो बच्चों पार्ट 11th में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा के अगले वीडियो में फिर कुछ नए साउंड के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू बच्चों।